हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो हम प्लान लेकर आए हैं वो है हमारा 27 फिट बाय 51 फिट का प्लान, यानी कि 27 फिट इसका फ्रंट रहेगा और 51 फिट इस प्लान की लंबाई रहेगी। अगर हम इस प्लॉट की स्क्वायर फिट में बात करें तो ये हमारा 1377 स्क्वायर फिट का प्लॉट है। गज में बात करेंगे तो ये हमारा 153 गज का प्लॉट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप भी अपने घर का नक्शा हमसे बनवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर हमने स्क्रीन पर दे रखा है, तो वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो क्लास में मैं आपको बताऊँगा इसका एक मंजिल बनाने में कितना खर्चा आएगा, कितने कॉलम्स इसमें दिए जाएंगे, कॉलम साइज़ क्या रहेगा, आउटर वॉल इनर वॉल कितनी दी जाएगी, ये सब मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। इस पूरे प्लान के अंदर हमने 3 बेडरूम प्रोवाइड किए हैं, पूजा एरिया दिया है, 2 बेडरूम के साथ आपको मिलेगा अटैच टॉयलेट बाथरूम, स्टेयर्स प्रोवाइड किए हैं, लिविंग एरिया वो डाइनिंग एरिया प्लस किचन प्रोवाइड किया है, कॉमन टॉयलेट बाथरूम मिलेगा, लिविंग एरिया मिलेगा, गार्डन एरिया दिया है हमने इसमें और कार पार्किंग प्रोवाइड की है। डायमेंशंस की बात कर लेते हैं तो स्टार्ट करते हैं कार पार्किंग से। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कार पार्किंग प्रोवाइड की है, 15 फिट 3 इंच बाय 15 फिट 8 इंच की आपको यहाँ पर कार पार्किंग मिलेगी। यहाँ पर आपकी कार बाइक स्कूटर जो भी होगा वो इजीली आ जाएंगी। यहाँ पर आपको मिलता है गार्डन एरिया, 10 फिट 3 इंच बाय 7 फिट 4 इंच का गार्डन एरिया मिलेगा। तो यहाँ पर आप अपने प्लांट्स लगा सकते हो, तो आपका पूरा गार्डन एरिया का पोर्शन मिल जाएगा। फिर यहाँ से हमारी एंट्री होती है तो हम सीधे आ जाते हैं अपने लिविंग एरिया में। यहाँ पर आपको लिविंग एरिया मिलेगा, आप देख सकते हो 9 फिट 11 इंच बाय 15 फिट 7 इंच का आपको यहाँ पर लिविंग एरिया मिलता है। तो जो भी गेस्ट होंगे वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सोफ़ा सेट आ जाएगा, सामने टीवी आ जाएगा। इस लिविंग एरिया की विंडो आपको यहाँ पर दी जाएगी, 4 फिट चौड़ी विंडो रखी है ताकि हमारे लिविंग एरिया में रोशनी बिल्कुल ठीक रहे। फिर कार पार्किंग में से ही हमने डोर दिया अपने फर्स्ट बेडरूम में आने के लिए, तो ये आपका फर्स्ट बेडरूम हो जाएगा। यहाँ पर आपका बेड आ जाएगा, सामने आपको वार्डरोब दिया गया है। इस बेडरूम की जो डायमेंशन है 9 फिट 11 इंच बाय 12 फिट की रहेगी। ठीक, इसकी विंडो हमने यहाँ पर दे रखी है, 4 फिट चौड़ी विंडो रखी है इस बेडरूम की, तो इस बेडरूम में रोशनी बिल्कुल हमारी ठीक रहेगी। ठीक, यहाँ पर आपको वार्डरोब यानी कि वार्डरोब जो रहेगा उसका पोर्शन हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। फिर इसके बराबर में आपको मिलता है यहाँ पर कॉमन टॉयलेट बाथरूम, 3 फिट 6 इंच बाय 7 फिट 8 इंच का आपको यहाँ पर कॉमन टॉयलेट बाथरूम मिलेगा। इसका वेंटिलेशन हमने यहाँ पर दे रखा है, 2 फिट चौड़ा वेंटिलेशन है, तो इसकी जो भी स्मेल होगी वो इस वेंटिलेशन के थ्रू पास आउट हो जाएगी। फिर जैसे आप आगे बढ़ोगे आप आ जाओगे अपने किचन के पोर्शन पर, तो ये आपका किचन प्लस डाइनिंग एरिया हो जाएगा, यानी कि ये ओपन किचन रहेगा। तो यहाँ पर आपका किचन का पोर्शन रहेगा, यहाँ पर आपकी डाइनिंग टेबल आ जाएगी। यहाँ पर आपको 2 फिट बाय 2 फिट का जाल मिलेगा, तो यहाँ पर आपकी जो किचन की स्मेल होगी वो इसके थ्रू पास आउट हो जाएगी। ये जो किचन है ये हमारा 15 फिट 3 इंच बाय 9 फिट 4 इंच का किचन रहेगा, आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको मिलता है एक पूजा एरिया, 9 फिट 11 इंच बाय 5 फिट का आपको यहाँ पर काफ़ी बड़ा पूजा एरिया मिलता है। फिर इसके साथ आपको यहाँ पर मिलता है सेकंड बेडरूम, आप देख सकते हो ये हमारा सेकंड बेडरूम है। इस बेडरूम के साथ आपको मिलेगा अटैच टॉयलेट बाथरूम। ये जो बेडरूम है इसकी विंडो डायमेंशन जो है वो 9 फिट 11 इंच बाय 12 फिट का रहेगा। तो ये आपका 9 फिट 11 इंच बाय 12 फिट का बेडरूम रहेगा। यहाँ पर आपका बेड आएगा, सामने टीवी और यहाँ पर आपका वार्डरोब हो जाएगा। इस बेडरूम की विंडो हमारे OTS से कनेक्ट है, तो 4 फिट चौड़ी विंडो हमने यहाँ पर प्रोवाइड की है। ये पूरा पोर्शन हमारा OTS का पोर्शन रहेगा, इसके डायमेंशन हम बाद में बात करेंगे। तो 4 फिट की विंडो हमने यहाँ पर प्रोवाइड की है। इस बेडरूम के साथ आपको मिलेगा यहाँ पर अटैच टॉयलेट बाथरूम, आप देख सकते हो 6 फिट 3 इंच बाय 4 फिट का आपको यहाँ पर अटैच टॉयलेट बाथरूम मिलता है। इसका वेंटिलेशन हमने यहाँ पर दे रखा है, 2 फिट चौड़ा वेंटिलेशन है, तो इसकी जो भी स्मेल होगी वो इस वेंटिलेशन के थ्रू पास आउट हो जाएगी। फिर बराबर में यहाँ पर आपको मिलती है सेपरेट स्टेयर्स, तो 2.5 फिट चौड़ी स्टेयर्स हमने यहाँ पर रखी है, लैंडिंग जो रहेगी वो हमें 5 फिट चौड़ी रहेगी। तो यहाँ से आप अपने फर्स्ट फ्लोर पर जा सकते हो। स्टेयर्स के नीचे का जो पोर्शन है वहाँ से हमने डोर प्रोवाइड किया अपने OTS के पोर्शन में आने के लिए। तो ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हो हमारा ओपन पोर्शन रहेगा, सिर्फ जाल जो पड़ेगा वो 3 फिट बाय 5 फिट के पोर्शन में पड़ेगा, बाकी के पोर्शन पर स्लैब आएगी। 12 फिट 4 इंच बाय 4 फिट का आपको यहाँ पर OTS का पोर्शन मिलता है। तो यहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हो, यहीं पर कपड़े धोकर यहीं पर रस्सी डालकर सुखा सकते हो, और अगर आप वो नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप अपने कूलर भी रख सकते हो। तो आपके यहाँ पर कूलर ईजिली आ जाएंगे दोनों बेडरूम की तरफ। यह आपका तीसरा बेडरूम है, आप देख सकते हो। इस बेडरूम के साथ भी आपको मिलेगा अटैच टॉयलेट बाथरूम। तो ये जो बेडरूम है 9 फिट 11 इंच बाय 12 फिट का रहेगा। ठीक, इसकी विंडो 4 फिट चौड़ी वो हमने इस वाले OTS से कनेक्ट कर रखी है, तो हमारे बेडरूम में रोशनी बिल्कुल ठीक रहेगी।
फिर यहाँ पर आपको मिलेगा अटैच टॉयलेट बाथरूम, 6 फीट 3 इंच बाय 4 फीट का आपको यहाँ पर अटैच टॉयलेट बाथरूम मिलता है। इसका वेंटिलेशन हमने यहाँ पर दे रखा है 2 फीट चौड़ा वेंटिलेशन, तो इसकी जो भी स्मेल होगी वो इस वेंटिलेशन के थ्रू पास आउट हो जाएगी। तो ये था हमारा 27 फीट बाय 51 फीट का प्लान। अब बात कर लेते हैं इसकी आउटर वॉल की। तो आउटर वॉल हमने 9 इंच की रखी है, इनर वॉल हमने 4 इंच की प्रोवाइड की है। टोटल कॉलम्स जो हमने दिए हैं इसके अंदर वो 18 कॉलम्स दिए हैं। कॉलम साइज जो रखा है वो कहीं पर हमने 9 इंच बाय 12 इंच का रखा है और कहीं पर हमने 9 इंच बाय 15 इंच का कॉलम साइज प्रोवाइड किया है। इस पूरे प्लान का एक मंजिल बनाने में जो लगभग खर्चा आएगा वो 15 से 16 लाख के बीच में आएगा, यानी कि 16 लाख रुपये आपके एक मंजिल बनाने में खर्च हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का प्लान, आशा करते हैं प्लान पसंद आया होगा। अगर प्लान पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।